कुंडेश्वर टेंपल एंड वाटरफॉल बदलापुर। मुंबई से बहुत ही नज़दीक और बहुत ही फेमस इस प्राचीन शिव मंदिर को आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। चारों ओर घने जंगल, वाटरफॉल और पहाड़ों के बीच बसा है ये प्राचीन शिव मंदिर। जाते वक्त आपको देखने के लिए मिल जाता है भोज डैम का ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। उसी के साथ ये ब्यूटीफुल वाटर पॉन्ड भी आपको रास्ते में लगता है। दोनों तरफ से पेड़ और ग्रीनरी से भरे हुए इन रास्तों से आप पहुंच जाते हैं कुंडेश्वर टेंपल। इस मंदिर की खास बात यह है कि पत्थर को बिना तोड़े इस मंदिर को डेवलप किया गया है और उसी पत्थर में बनी हुई है एक छोटी सी गुफा जहां पर बसा हुआ है शिवलिंग। इस मंदिर के पीछे आपको देखने के लिए मिल जाता है एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल, कुछ केव्स और एक छोटा सा शिव मंदिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके ट्रैवल व्लॉग्स। तो चलिए इस ब्यूटीफुल वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों ये हम लोग पहुंच चुके हैं कातरप। ये रास्ता जो है सामने से ये आता है स्टेशन की तरफ और ये वांगनी करजत का रोड है जहाँ से अभी हम लोग जाएंगे खरवई गाँव और वहाँ से राइट साइड में है कुंडेश्वर। कुंडेश्वर टेंपल बदलापुर रेलवे स्टेशन से ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर आने के लिए आपको रेलवे स्टेशन से ऑटो भी मिल जाती है। रास्ते में है बहुत सारी ग्रीनरी और ये आ गया दोस्तों एक ब्यूटीफुल स्पॉट फर्स्ट ब्रिज के पास। तो चलिए आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। कुंडेश्वर जाने से पहले आपको ये ब्रिज लगता है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके ठीक सामने एक छोटा सा बांध बनाया गया है जिस वजह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर पानी बहता है। तो अभी चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों ये आ गया है भोज विलेज। कुंडेश्वर मंडल भोज का ये बोर्ड आपको दिखाई देगा और अगर आप आगे से इसके लेफ्ट साइड में जाते हैं तो आपको धनगर वाटरफॉल दिखेगा जिसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर है। और हम लोग जाएंगे अभी स्ट्रेट जहाँ से दिखेगा हमें ब्यूटीफुल भोज डैम का ये बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये आपको कुंडेश्वर जाते टाइम धनगर के आगे सेकंड ब्रिज लगता है और इसी के सामने है ये बहुत ही खूबसूरत भोज डैम का नज़ारा। चलिए चलते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करके आगे अपने कुंडेश्वर टेंपल की तरफ। कुंडेश्वर पहुंचने से पहले राइट साइड में एक स्पॉट है जहां से बहुत ही ब्यूटीफुल पहाड़ों का व्यू मिलता है। पूरा पहाड़ ग्रीनरी से भरा हुआ है। सामने है कुंडेश्वर लेक का पानी जो आगे जाता है भोज डैम में और ये है सामने कुंडेश्वर टेम्पल जिसके बाजू के वाटरफॉल से ही ये पानी आता है। दोस्तों आप यहाँ पर आते हैं तो अपनी प्राइवेट व्हीकल लेकर ही आइए क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे सुंदर नज़ारे हैं कि आपको हर जगह पर रुकने का मन करेगा।
आप अपनी प्राइवेट व्हीकल मंदिर के एंट्रेंस तक ला सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी स्पेस है पार्किंग के लिए। और ये आ गया मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ पर फूल माला के शॉप्स और कुछ खाने के स्टॉल्स भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप पानी देख रहे हैं और वहीं पे उस साइड में वाटरफॉल बह रहा है मंदिर के लेफ्ट साइड में। तो आपको पानी की बहुत तेज आवाज आ रही होगी, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में है वाटरफॉल का पानी, आप देख सकते हैं कितना क्लियर पानी है, और सामने है वाटरफॉल। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इस प्राचीन गुफा में बसे शिवलिंग के दर्शन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंदिर जो है इस पत्थर और प्राचीन गुफा जो है इस पत्थर में उसके ऊपर डेवलप किया गया है। ये देखिए मूर्तियों के पीछे आप देख सकते हैं पत्थर, और इसके लेफ्ट साइड में है और नीचे गुफा में जाने का रास्ता जहाँ पर बसा हुआ है शिवलिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं पत्थर में एक बहुत ही छोटी सी गुफा बनी हुई है। मैं आ चुका हूँ बाहर शिवलिंग के दर्शन करके, और यहाँ पर आप मंदिर के पीछे की साइड में भी देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा वाटरफॉल है। तो दोस्तों ये जो प्रोटेक्शन गेट्स आप देख रहे हैं ये बाद में लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। तो कम बारिश के टाइम यहाँ पर अंदर पब्लिक जाती है, लेकिन ज़्यादा बारिश हुई तो यहाँ पर पुलिस होती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले अगले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।